जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु शांति और अनुग्रह करती रहे। आमीन। आइए हम एक विषय में जाएंगे। आपके बीच में एक विषय को मैं लेकर आता हूँ। वो विषय है यीशु मसीह के पास आने वालों को संसार की बुराइयों से हटना होगा। आज का विषय है यीशु मसीह के पास आने वालों को संसार की बुराइयों से हटना होगा। आइए हम एक वचन को निकालेंगे जो लिखा हुआ है लुका रचित सुसमाचार उसका 5:17 से लेकर हम जब पूरे 25 वचन तक जब हम पढ़ेंगे तो उस घटना को हमें अच्छी रीति से मालूम होगा। लुका रचित सुसमाचार 5:17-25 वचन में जो घटना हुआ था उसको हम अच्छी रीति से हम समझ पाएंगे जब पूरे पढ़ेंगे। उसी प्रकार मार्कुस रचित सुसमाचार 2:1-12 जब हम पढ़ेंगे तो उस घटना के बारे में हम पूरे समझ पाएंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार 9:1-8 में भी उस जो उस समय की जो घटना हुई थी वो लिखा हुआ है। तो विशेष करके हम देखेंगे कि लुका रचित सुसमाचार 5:18-20। लुका 5:18-20 में जो लिखा है हम पढ़ते हैं प्रभु की महिमा के लिए। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपराएले हटाकर उसे खट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। और प्रभु यीशु मसीह उन्हें लकवे की रोगी से कहता है कि मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और क्या करता है, जिस पर वह पड़ा था उस खाट को उठाकर चलता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक दिन की जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की समय की घटना है, जब कफरनहूम में एक घर में था और उपदेश दे रहा था, तो उस समय में इतने लोग भीड़ थे कि द्वार तक पूरा लोग बैठकर पूरा फुल हो गए थे, अर्थात कोई जगह भी ना था। जैसे वचन में लिखा हुआ है, उस वचन को मैं पढ़ देता हूँ, आप उस वचन को देखिए जो कि लिखा है, इतना भीड़ था कि जगह भी नहीं था, द्वार तक पूरा लोग भर गए थे। मार्क रचित सुसमाचार 2:2 में देखते हैं। मार्क रचित सुसमाचार 2:2। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। इतने भीड़ थे कि द्वार तक पूरा भरे हुए थे, तो उपदेश दे रहा था। उसी समय में एक लकवा की रोगी को अच्छा होने के विश्वास में होकर कितने लोग उस लकवा की रोगी को खट में ढोकर यीशु के पास ले आए। तो जब वहां देखे कि वहां ऐसा भीड़ है कि यीशु के सामने रखने के लिए कोई जगह ही नहीं था, अर्थात यीशु के पास जाने के लिए बहुत भीड़ था, जिसके द्वारा वे खट को ढोकर यीशु के सामने रखने के लिए वो जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत भीड़ था। हालेलुया।
लेकिन वे ऐसा उपाय किए कि जब वचन में हम देखते हैं कि उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। वे किस प्रकार यीशु के सामने उस बीमारी को लेकर रखेंगे, तो बहुत भीड़ था तो वे उपाय ढूंढ रहे थे। और इस प्रकार हुआ कि पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपराइल हटाकर उसे खट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। इतना भीड़ था कि वे उस घर का जो छत था, जो खपराइले थे, उस सबको हटा दिया और हटाने के बाद खट को जहां यीशु मसीह था उसी के सामने उतार दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनका विश्वास को देखकर कहता है कि तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह का उनका विश्वास को देखकर, अर्थात उनका विश्वास को देखकर कितना उपाय बनाकर यीशु मसीह के सामने उसको लाए और उसके सामने रख दिए, उनका विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने कहता है कि हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुआ। अर्थात उनका पाप के कारण जो बीमारी था, लकवा का बीमारी, यीशु मसीह उनका विश्वास को देखकर, उनको जो ढोकर लाए थे उनका विश्वास को देखकर, बीमारी का लकवे की बीमारी का विश्वास को देखकर यीशु मसीह उन्हें क्षमा करता है, उन्हें चंगा करता है और कहता है कि अपने खाट उठाकर चला जा। वह तुरंत चल जाता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास आने के लिए, यीशु मसीह के पास आकर अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए और खुशी जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें यीशु मसीह के पास आना बहुत जरूरी है। लेकिन इस संसार में यीशु मसीह के पास आने के लिए इतने भीड़ है कि वे भीड़ क्या करती है, रुकावट करती है। जिस प्रकार प्रभु के वचन को तो सुन रहे थे लेकिन यीशु मसीह के पूरा नजदीकी में पहुंचाने के लिए जो भीड़ बैठा हुआ था तो एक रुकावट का कारण हुआ और वे भीड़ में होकर यीशु के सामने जा नहीं पाए। वे खपराइले को हटाए और बीमारी को यीशु के सामने रख दिए। तो उसी प्रकार इस संसार में कितने भी प्रकार का भीड़, कोई भी बातों का परेशानी, कोई भी रुकावट क्यों ना हो, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है और उपाय करना है कि हम किस प्रकार परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के चरण के सामने हम बैठ पाए और उसकी आराधना कर पाए। हालेलुया। भीड़ था, भीड़ एक रुकावट है। हमारे जीवन में भी तमाम प्रकार की रुकावटें आ रही है और हम सुनने में पा रहे हैं, हर जगह में विरोध किया जा रहा है, रुकावट किया जा रहा है। तो हमें ऐसा उपाय करना चाहिए कि हम यीशु के चरण में रहकर हम उसकी आराधना और स्तुति करें। हमें उपाय करना है, अर्थात प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से पूछताछ करना है और बुद्धि और आत्मा के साथ काम करना है। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, जिस प्रकार वे खपराइले हटाए उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में से तमाम प्रकार की इस संसार की बुरी विचार, बुरी बात, बुरी कामों को क्या करना है, हटा देना है, जिसके द्वारा हम यीशु मसीह के सामने आ सकते हैं और उसकी आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। और जितने भी संसार में जो भीड़ है, अर्थात हर बातों से, हर कामों से जो रुकावट हो रही है, वो एक भीड़ को दर्शाती है। हालेलुया। तो वो भीड़ जो है, तो हमें क्या करना है, उपाय ढूंढना है और परमेश्वर की संगति में किस प्रकार उसके साथ रहकर, जुड़कर हम उसकी आराधना करें, ये सारे बातों की उपाय हमें करना है। हालेलुया। आत्मा से और बुद्धि से हमें काम करना है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उनका विश्वास को देखकर, जब वे खपराइले हटाए, कोई भी कुछ बात नहीं बोले कि क्यों कर खपराइले हटा रहे हो, लेकिन वे खपराइले हटाए और यीशु के सामने रख दिए। उसी प्रकार हमारे जीवन से तमाम प्रकार की संसर्ग की बुरी बातों को दूर करना है और तमाम शैतान के जो बुरी कार्यां हैं सबको दूर करना है और यीशु के सामने हमें उपस्थित होना है, अर्थात
उसके चरण में उपस्थित होना है और हमें क्या करना है, उसकी आराधना करना है। तब यीशु मसीह बोलेगा कि तेरा पाप क्षमा हो। हालेलुया, हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पहले क्रूस पर बलि होकर उठा लिया है, दाम देकर मोल लिया है। हम उसमें विश्वास के साथ बने रहें और उसकी आराधना करते रहें। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज का जो ये वचन है, इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष मिला है, मैं विश्वास करता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, प्रभु आप सबों के साथ रहे और आशीष देवे, आमीन। और आत्मा के साथ प्रभु आप सबों को आगे बढ़ाता ले चले, आमीन। जय मसीह की।